आपको मेरे को सूचना मिली मुखबिरों द्वारा कि एक अवैध शराब से भरी पिकअप इधर से निकलने वाली है। मैं तुरंत मौके पर पहुंचा, नाकाबंदी करवाई। शाहजहाँपुर टोल पर हमने जैसी हमें सूचना थी उस हिसाब से सभी गाड़ियों को चेक करते हुए निकाला। तो मैं लगभग 9 बजे के आसपास एक पिकअप जिसका RG 14 3816 नंबर थी, उसमें अवैध शराब मिली। एक ड्राइवर, अकेला ड्राइवर उसको चला रहा था, जो कि विष्णु सैनी नाम बताया उसने। बड़ौद का निवासी है, भैरोडी थाना क्षेत्र का वो है। उस पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई जारी है, अभी पूछताछ करना बाकी है। हमें उम्मीद है इसमें और भी कई बड़े गिरोह को खुलासा होने की संभावना। सर, दास्तान मार्का की शराब आ रही थी, इसमें लेबल लगा रखा था कुछ, किस क्या ये नकली शराब थी, किस तरह क्या होगा? इस बारे में अभी हम पूछताछ कर रहे हैं, हमारी इंक्वायरी जारी है। हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी जो हमें शराब मिली है वो ओनली फॉर सेल इन राजस्थान थी, बाकी इसके पीछे क्या है वो इनक्वायरी। सर, पिछले कुछ दिनों पहले भी शाहजहाँपुर में भी शराब पकड़ी थी, जो हरियाणा की तरफ से लाते थे, लेकिन वो राजस्थान मार्का होती थी। इस बारे में अभी मेरे को नॉलेज नहीं है, अभी पता करेंगे। अगर कुछ ऐसा है तो उससे भी हम लिंक करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, आप ठेकों पर सर ये अवैध शराब मिलती है राजस्थान मार्केट हरियाणा? इस बारे में मेरे को मालूम नहीं, अगर कुछ ऐसा है तो मुझे जानकारी मिला है, उस पर कार्रवाई करेंगे। पिकअप में हमने चेक किया, 70 पेटी तो बियर थी, किंगफिशर ब्रांड से। बाकी करीब 38 पेटी विस्की की थी, जिसमें कुछ हाफ और कुछ क्वार्टर की पेटियाँ थी। तो कुल मिला के 108 पेटियाँ हमने जब्त की। जी सर, ये अवैध ब्रांचों को लेकर के नीम राणा और आसपास क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर खुली हुई है, इनके खिलाफ़ कोई मुहिम? इनके खिलाफ़ हमारी जानकारी में आएगा तो ज़रूर मुहिम चलाएंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। आप लोग सहयोग करें।